मेरा नाम राजू बुद्धा है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग का ये पमुयालंग ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है बामिची विलेज का, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम लोगों ने इसमें गैदरिंग कर रहा है इसलिए कि जो हमारा माइथोलॉजिकल जो कुछ कुछ चीज़ है हमारा जीरो पे, तो उसको हम लोग इम्पोर्टेंस है इसका, इसको हम लोग को प्रिजर्व किस तरह से करना है। तो इसलिए आज हम ईटानगर से रिसर्च डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स यहाँ आया हुआ है उसको रिसर्च करने के लिए। तो उससे पहले मैं कुछ हम लोग का जो माइथोलॉजी है, ये स्टोन हमारा जो पीछे में अभी है, तो उसका बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो हमारा पीछे में आप लोग दिखाई दे रहा है जो पत्थर है, ये एक साधारण पत्थर नहीं है, ये एक हम लोग का पूर्वज बहुत साल पुराना मतलब चीज एक है कि इसको हम लोग इसका उसको कहा जाता है गानो पेदे, जहाँ हम लोग अभी दिखाई दे रहा है जो पत्थर जो हम लोग को बुजुर्गों ने जो बताया है उसको उसका नाम दिया गया है गानो पेदे, जो ये एक पार्ट ऑफ ये पमुयालंग का है जो वहाँ से तोड़ के आया हुआ है, यहाँ पे तोड़ के गिर के यहाँ पे बैठ गई। तो उसको आज हम हमारे ग्रुप का साथ में और हमारे बामिची वेलफेयर का एसोसिएशन का मेंबर भी आया हुआ है, हमारे बामिची यूथ एसोसिएशन का मेंबर्स भी आया हुआ है, तो आज उसको सर्वे करने जा रहा है ये हम लोग। तो वही जो आज हम लोग उसको शुरुआत अभी यहाँ से करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि ये एक गानो पेदे इन द सेंस हम लोग का अपनी लैंग्वेज में है, क्योंकि ये एक फीमेल ऑर्गेन्स का यहाँ में झलक दिखाई देता है, ये जो वही इम्पोर्टेंट है हम लोग का ये जो, तो इसमें पूरा सिंबॉलिक है कि फीमेल का ऑर्गेन्स कुछ दिखाया गया है इसलिए है। और उसका ये अकेला नहीं है, इसका सराउंडिंग में बहुत सारा उसका पार्ट्स भरा हुआ है कि बहुत बड़ा एरिया है ये जो हम लोग का गानो पेदे का जो। तो उससे थोड़ा और आगे जाके अराउंड 100 मीटर्स आगे हम लोग जाके उसमें एक मेल ऑर्गेन है जो उसको हम लोग दुकु इपोक कहा जाता है, जो कि हम अभी आगे जाके आप लोगों को उसको भी हम परिचय कराएगा। तो अभी ये हम लोग पहुंच गया है दुकुजीपो, जो उसका एक पार्ट है। दुकुजीपो मीन्स ये मेल ऑर्गेन है, नीचे का फीमेल ऑर्गेन था। तो ये लंबाई जो लगभग 15 फीट होगा, और जो ये हमारा गानो पेदे से यहाँ तक आने में 200 मीटर होगा डिस्टेंस जो हम लोग का कवर करके आया हुआ है। यहाँ एक्चुअली पहले हम लोग का पहले जमाने से यानी रिचुअली हम लोग का जो होता है पता नहीं उसमें पूजा वूजा करता है, तो यहाँ विजिट भी हम लोग का खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं यूजुअली नहीं करता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्लेस है तो यहाँ तक आना मना होता है। तो इस कारण से हम लोगों ने ये इसको अभी हम लोग प्रिजर्व करना चाह रहे हैं कि इसको किस तरह से कोई डैमेज ना हो, तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको इस बार से टेक केयर करने जा रहा है। जितना भी हम लोग का ये सीक्रेट प्लेस जहाँ में हम लोग का ये सब वगैरह है, पमुयालंग गानो पेदे दुकुजीपो वगैरह जो है हम लोग बामिनीची का अंदर से ये जितना हम लोग का एरिया में पड़ता है, तो हम लोग ये बामिनीची वेलफेयर एसोसिएशन बामिनीची यूथ एसोसिएशन देन हम लोग का पमुयालंग ग्रुप जो हम लोगों को एडोप्ट करने के लिए हम लोग को ऑथोराइजेशन दिया हुआ है, तो इसलिए आज हम लोग सर्वे ऑफिशियल के साथ में कर रहा है। ये हम मरांडा के यूथ का प्रेसिडेंट ताकेता चंग, और ये रिसर्च टीम लोग इस समय पत्थर को रिसर्च करने के लिए वो लोग आए हुए हैं। तो उसको आज यूथ लुक भी थोड़ा देख कर ये सचमुच ये अच्छा लग रहा है, और सब ये डिपार्टमेंट तरफ से आया हुआ वाला है, और हम लोग ये यूथ का तरफ से भी और इसको सर्वे करने के लिए और कोशिश करेगा, और डिपार्टमेंट को भी हम लोग को साथ दे रहा है। और ये इसका नाम यह पवर जोनिगो है, और ये हम लोग का रेशम पत्थर का नाम जो पवर जोनिगो है, और ये लगभग हाईवे से 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पहुँचने तक और 5 किलोमीटर दूर है, और उसको
हम लोग यूथ तरफ से भी अभी सर्वे करके तो कुछ टूरिस्ट पॉइंट के लिए भी हम सोच रहे हैं, और ये आकलोज डिपार्टमेंट लोग भी अच्छी तरह से आज सर्वे करके, और सचमुच ये देखने से तो लगता है सचमुच ये ऐसा ही रेशमर पत्थर जैसे है, और इसमें कुछ दुर्घटना भी थोड़ा हो चुका है हम लोग का जो पत्नी का जैसे जो होता है। मेरा नाम तादू ताचंग है, मरंदगे यूथ सेक्रेटरी, मरंदगे एसोसिएशन का मैं यूथ सेक्रेटरी हूँ। और आज हम लोग मतलब यूथ लोग इसलिए गेदर है कि मतलब हम लोग रिसर्च टीम जो मतलब ईटानगर से आया हुआ है, आर्कोलॉजिस्ट टीम जो, तो उसको लेके मेरा यूथ लोग हम लोग मिल के कुछ एक मतलब मेटोलॉजिकल कुछ स्टोन एक हम लोग पुरना वाला ढूंढने जा रहा है। तो दो प्लेसेस है मतलब ऐसा जगह, एक है कि बनी बने ये वो साइड में रास्ता का वो साइड में है, और एक पीस है जो पावरवनी बोलते हैं, वो जो हम लोग का जस्ट पीछे ये बैक साइड रास्ता में है। और फ्यूचर में ये स्टोन जो हम लोग का टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकते हैं। मुझे तय है, मैं पामियालांग ग्रुप का चेयरमैन, और ये अभी हम लोग गानों से लेकर अभी इधर पहुंच गया। ये भी एक पामियालांग का पार्ट है, और इसको अगर इंग्लिश से बोला जाने से ये हल्क स्टोन, तो हल्क मतलब पामू, स्टोन मतलब यालांग, ये भी एक पार्ट ऑफ पामियालांग का है। माइथोलॉजी में पहले से पुराना जमाना में वहाँ से गिर के अभी यहाँ में आया हुआ। अभी इसमें हम लोग उसको नाम दिया गया है लारू मजी, और उस तरफ में एक है लारू मकू, दो स्टोन इधर में पड़ा हुआ है। अब ये भी हम लोग का पामियालांग का पार्ट है। इतना में हम मैं पूरा खोजी हूँ, रिसर्च डिपार्टमेंट से आया हुआ हूँ या जीरो पे कुछ सर्वे करने जो स्टोन एंशियंट मोन्यूमेंट स्टोन्स के। और अभी मेरे पीछे मेरे स्टाफ है रिसर्च डिपार्टमेंट के, और अभी हम ये कैपावर ग्रोनी में आया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर अभी जितना सर्वे किए हैं ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक जीरो में दिखाई नहीं दिया है फिलहाल, लेकिन ये पूरा साफ नहीं कर सकते कि दूसरे जगह में भी नहीं है बोलते। अभी जितना हम सर्वे कर चुके हैं उसमें दिखाई नहीं दिया है, और इस स्ट्रक्चर को देख के तो लग रहा है कि कुछ ह्यूमन टच भी है, और कुछ में वो ह्यूमन फिगर भी दिखाई जैसे देखने से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल उसको कुछ एक्सकावेशन या कुछ और सर्वे नहीं करने से पहले मैं कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। फिलहाल अभी जितने सर्वे में अरुणाचल में किया हुआ है तो उसमें इस तरह के पत्थर तो दिखाई नहीं दिया, तो अभी तक ऐसा ही हम मानता है जो मालिंदितान के मोनूमेंट्स में, लेकिन उसका इसका जैसा नहीं है, उसका अलग अलग शेप है, तो इसलिए इस तरह का दिखाई अभी तक नहीं दिया जितना सर्वे किए हैं। तो डिपार्टमेंट के तरफ से आप लोग को क्या लगता है इसमें कुछ एक्सकवेशन कुछ करना या नहीं करना है? डिपार्टमेंट के तरफ से या मैं अपने तरफ से इसको एक्सकवेशन का अगर परमिशन ये लोकल लोग देता है तो उसको मैं एक्सकवेशन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इसके कितने इम्पोर्टेंस हो गए, और यहाँ में कुछ अगर मिलेंगे क्या वो भी देखना चाहता है। फिलहाल जितना सरफेस सर्वे किए थे उसमें 18 पीस ऐसे स्टोन्स का वो ब्रोकन देखा था, और सब जितना स्टोन्स को सर्वे किया था देखा था उसको देखकर लगता है कि सब एक ही आसपास में था, कुछ या तो अर्थक्वेक या कुछ कारण से कोलैप्स हो गया होगा। तो अपातानी प्लेटू में आप लोग का आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का साइट से ऐसा माइथोलॉजिकल स्टोन कितना तो है रिकॉर्ड में आप लोग का डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड में? डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड में बोलकर तो फिलहाल इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो हम लोग रिकॉर्ड जो सर्वे कर चुके हैं उसके मुताबिक हमारे पास
5-6-2 है, मैं डिटेल्स नहीं बता पाएगा, कुछ कुछ जगह को बता दूंगा। जैसे अभी ताई लंप है, फिर हमारे मिंचान डोजा है, फिर और ये कहते हैं गानों पेड़े और सब, और ये पामुयान और देखे हैं, और इसमें भी ये पावर ग्योनी, और अभी फिर माइटोलॉजी के कुछ और बुनी बुने भी देखे हैं, और शायद और होंगे जो अंडर इंटीरियर फॉरेस्ट में अगर सर्वे करें या एक्सप्लोर करने से। सबसे पहले बताइए कि ये पत्थर का नाम क्या है और ये क्या पत्थर है? होगा तब तो हमें आप लोगों को बताने जा रहा है। ये पत्थर का नाम भी है, उसका पत्थर का डिजाइन का हिसाब का नाम भी है, असली उसका नाम भी है, जगह का नाम को भी बता करके आप लोगों को बताता हूँ। ये तो सत्य कथा है, हकीकत है, हिमाकत नहीं है। देखने में बनावट जैसे देख सकता है, बनावटी का बात नहीं है, ये तो कुदरत का है, भगवान का बना हुआ चीज का बात में हम बता सकता है। क्योंकि हमारा बुढ़ा ज्ञानशाली आदमी लोग का हमको भी बताया था इसको, ये तो जहां तहां कोई दूसरे को कुछ नहीं किया है। हम लोग का भाषा में अगमदा बोलता है, आदमी को बीमार डालता है, ऐसा ये नहीं किया। क्योंकि ये तो उसका भगवान का पत्थर है, हमें बोल सकता है किस लिए, ये तो खलो है। खलो बोल के तो हम लोग का मुरुम पूजा होता है, मुरुम पूजा में योदा आयुडू ऐसे बोलता है, उसमें ये नाम आता है। ये जागा का त्रो से ये एक खलो है, सत्य खलो है, उसका नाम है पावर तेंदा का ओनी मिरू, ऐसा बोलता है। पावर तेंदा का मतलब है ये जागा को पावर बोलता है, तेंदा मतलब तो उसका अंदर में, उसका लाइन में बोलने का हिस्सा में तेंदा बोलता है, उसका नाम है ओनी मिरू, और इसीलिए पावर तेंदा का ओनी मिरू बोलता है मुरुम फेस्टिवल में योदा यून वालों ने। और उसमें ये पत्थर का दागी दागी लग जाता है, ये तो बनावटी नहीं है, भगवान का बना हुआ चीज है, हमें ऐसे बता सकता है, ये कुदरत का चीज है, ऐसे बता सकता है, आप लोग खुद देख रहा है। ये तो भगवान का है, ये तो सरप्राइज करने का जैसे लगता है, उसका ये दागी लगने का हिस्सा में नाम अलग नाम भी है ओज मिरु का, ये दागी लग के ये पत्थर बैठने को ने को हिस्सा में पावर ग्योनी, पावर ग्योनी बो, पावर ग्योनी बोलता है इसको। तो ऐसा टाइप का पत्थर यहाँ कहीं में और कितना तो है? यहाँ में तो ये सबसे बड़ा ये है, उसका पूरा चारों ओर में आप लोग जांच के दिखा किया हो तो पूरा उत्तर पीस से कम नहीं है इसका परिवार, इसमें चारों ओर भी है उसका पत्थर का साथी। ये तो इसको हिंदू आदमी लोग देखा किया हो तो हाँ सीधा ये लॉर्ड शिवा का है, हम लोग इसको पूजा करेगा, मंदिर बनेगा, ऐसे बोल सकता है। हम लोग का नियम में ये खालो है, ओज मिरु तो खालो है। खालो का मतलब क्या होता है? खालो का मतलब तो ये हम लोग का जमाना, मनुष्य जात का जमाना का पहला दानव जात था ना, हाँ हम लोग जैसे जिंदा में रहता था उन लोग, आजकल जमाना में तो आत्मा है, आत्मा में रहता है, शाही में जिस्म नहीं होता है ना, उस लोग का जो उसको हम लोग का भाषा में उई बोलता है, उसी का भीतर में उन लोग जो गंडगोल हुआ या क्या क्या हुआ हो या उसको
जस्टिस करने वाला जाति है, उसको हम लोग का खालो बोलता है और आत्मतरों का नाम पर खालो बोलता है। ये मनुष्य जाति तरों का बात में बोलेगा, हम लोग का पता नहीं, मैं भूलम बोल सकता है। मला अनुवाता न का बामीमिची यूथ ग्रुप हल समा आ पामुयालान नुन का बामीमिची पामुयालान का यूथ ग्रुप अतामी ngo sulo ami awan japa o sulo mo luka seka bijit mu kosong ngo cabo la cado pamuyalangka seka ngunu itihas mi ngo gonge luko tella ngunu ka seka pamuyalang ka donon si ngunu bami michi ka ababaku anenku ababaku ka soka migrate mu ala ka dolyok si pamuyalang ngun ke dutoku seka pamuyalang seka san kane ohopa bilo ayu ayu dutu he kane ohopa dulalala he ka yalangka hao khonkhua tu adim pamu atu adim buala asipuala he kok la khonkhua tu beling la pamu atu beling la he ka heke he dotu ngunumi ka aba ateka popi miji sarmi migun ka lokone lokone ngunumi hala he lokotola do